सच में गैस, मेरा इतना पॉपर्ट होगा ना, मैंने सोचा नहीं था। आज नहीं इतना खतरनाक तूफान मैं पहली बार देखा हूँ। मैं फोर्थ फ्लोर में लेता हूँ, जो विंड ब्लास्ट था ना, लिटरली मेरा जो ये गेट है ना, ये पूरा हिला दिया था। तक मोनू से बात किया, मोनू फोन किया था कैसा कैसा क्या चल रहा है बोल के, तो मैं बोला था प्रोमोट वोमोट कर दो बोल के। सनसेट हो गया गैस, वेदर चेक करो, आई थिंक सो रात को थोड़ा मोटा बारिश तो देगा। एक्चुअली जब मेरा बहुत स्ट्रेस होता है, मूड खराब होता है, टेंशन होता है, तो मैं मंदिर जाता हूँ। पासीघाट बाजार का सरोजिनी काली बड़ी, एक चिल्ड्रन पार्क में आया हूँ जिसमें पहले भी आया था। यहाँ पे एक्सरसाइज करने का, बच्चों लोग का, बड़ा लोग का सब है। ये वाला भी एक्सरसाइज जोन है। वैसे शाम का टाइम है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बच्चे बड़े सब आते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच जितने भी फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के, उन लोग भी शेयर कर रहे और ब्लेसिंग्स दे रहे, थैंक यू सो मच। डिनर कल रात को यहाँ बहुत जोर से तूफान आया था, जिसकी वजह से कल रात से हमें करंट वेंट कुछ नहीं था। एंड इतना खतरनाक तूफान मैं पहली बार देखा हूँ। मैं फोर्थ फ्लोर में लेता हूँ, जो विंड ब्लास्ट था ना, लिटरली मेरा जो ये गेट है ना, ये पूरा हिला दिया था। ये दो तीन बार मैं लॉक कर दिया वेंटिलेटर को, वेंटिलेटर अपने आप फोर्स से खुल जा रहा है, इतना ज़्यादा ये वाइब्रेट कर रहा था हवा से। तो मैं दो टेबल लेके यहाँ पे लगा के रखा था डर से ना, और बाहर पूरा पानी पानी जो भी था, मतलब पोस्टर तो था ही नहीं, अगर कुछ होता तो वो भी उड़ जाता, इतना खतरनाक हो रहा था। तो रात को ही करंट चला गया, बहुत जगह पेड़ उड़ गया, रात को करंट चला गया तो मेरा बैटरी वैटरी सब शट डाउन हो गया था। हालांकि लकीली मैंने व्लॉग व्लॉग सब अपलोड करके रख दिया था ऑलरेडी, जो मैं हमेशा करता हूँ। तो सुबह सुबह उठा, उठ के मैं फटाफट से नहाया क्योंकि बच्चे आने वाले थे, तो मैं नहा के पूजा वूजा किया। एंड ये देख सकते हो अगरबत्ती जला के ख़त्म हो गया, फिर से जलाऊंगा अभी, क्योंकि आज हम थोड़ा सा मंदिर भी जाएंगे सोच रहे हैं, थोड़ा सा समय है तो मंदिर जाऊंगा। बहुत दिन से यहाँ में माँ काली मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, सब मंदिर का थोड़ा दर्शन करेंगे। एंड मीनवाइल मेरा फ्रेंड ने मैसेज किया था, आप जानते हो मेरे बचपन का फ्रेंड है विक्की रेगोन, जो कि यहाँ पे टीचर है और उसका कोचिंग सेंटर भी है। आपने वीवम से मिला होगा मेरा व्लॉग में, आपने पूजा से मिला होगा, पर आप कभी विकी को नहीं मिला है। विकी ने मुझे संडे को लंच के लिए इनवाइट किया है कि भाई तो आना बोल के, तो मिलना भी नहीं हुआ, उससे भी मिल लूँगा। और आज बहुत जगह मुझे जाना है, एक्चुअली बहुत सारा काम भी है। पहला तो ये जो है ना अपना, आप देख सकते हो मेरा रिज्यूम, जो इसके लिए फ़ोटो हमको खींचना है, तो फ़ोटो खींचने में मुझे जाना है। एंड बैक एंड में बहुत सारा चीज़ें हैं भाई, बहुत सारा दिक्कतें भी हो रहा है अभी, पता नहीं मेरा पैंथर का साथ भी कुछ सीन होने वाला है। पैंथर का सर्विसिंग नहीं हुआ, एक्चुअली सर्विसिंग बचा हुआ है। एंड बहुत लोग मैसेज कर रहा हूँ कि प्रीतम मेरा पावर बैंक, मेरे पास पावर बैंक एक है पर वो ख़राब हो गया अभी अभी फ़िलहाल के लिए लेने के लिए, लिटरली स्पीकिंग मेरे पास पैसा नहीं है, तो कर लेंगे फटाफट से। एंड हो सकता है, पता नहीं, पैंथर भी जा सकता है, पता नहीं, अभी कुछ सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि मुझे मैनेज करना पड़ रहा है सब कुछ। एंड ऑलरेडी जो मेरा पुराना ब्लॉग देता था, जानते हो कि मैं बहुत सारा डेप्थ का ऊपर, अभी डेढ़ साल तक और डेप्थ को मुझे चुकाना होगा, तो उसके लिए ही मैं शिफ्ट किया हूँ, तो जल्दी से जल्दी मेकअप करो। पर ये जो इनिशियल मंथ मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मुझे डेप्थ भी पे करना है, एंड मेरे पास जितना भी था वो घर शिफ्टिंग में चला गया, अबाउट 17-18-20 तक मेरा चला ही गया मतलब ना, तो वो मैं अपना डेप्थ पे करने के लिए रखा था। फिर फ्रेंड से भी कुछ हेल्प लिया था, तो उसको भी रिटर्न करना है, तो बहुत ज़रा बैक एंड में टेंशन चल रहा है। पर वही है, प्रॉब्लम्स तो रहेगा ही सबका ना कुछ मुस्कराते हुए अपना काम करना पड़ेगा। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि दिन का टाइम है, कल रात को तो हम डिनर बना भी नहीं पाए, सुबह में सत्तू वत्तू खाया था जैसे कि आप जानते हो मैं हमेशा खाता हूँ, तो मैगी बनाते हैं, तो मैगी बना के मैगी खा के उसके बाद निकलते हैं। उसके पहले हम अगरबत्ती जला देते हैं, थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं, पूजा तो ऐसे कर लिया मैंने, अगरबत्ती जला देते हैं, उसके बाद हम मैगी बनाएंगे, चल कर लेते हैं। सुबह से अगरबत्ती भी जला लिया, पूजा जो भी कर लिया, एंड अभी चलते हैं किचन, थोड़ा वीडियो शूट करने के लिए भी चाहिए ना। एंड मैं हमेशा खाना बनाना अवॉइड क्यों करता पता हूँ, एक तो पानी का बहुत दिक्कत है, मैगी बनाने के लिए मुझे मिनरल वाटर यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ ना बर्तन धोने के लिए रेगुलर पानी तो है नहीं, इससे पानी आता नहीं है, तो पानी लाना पड़ता, तो यहाँ के लिए भी एक बाल्टी हमको दो बाल्टी मुझे रखना पड़ेगा, तो वहाँ मैं तीन बाल्टी जो रखा हूँ ना वो सब बाथरूम के लिए रखा हूँ, तो बाथरूम का पानी मैं भर के नहा लिया, अभी उसको फिर से फिलअप करूँगा। उसके बाद ये अभी धुलाया हूँ, इसमें मैं मैगी बनाऊँगा आज और इसमें हम खाएँगे। तो ये है थोड़ा दिक्कत, थोड़ा सा मुझे फ़िल्टर विल्टर ही रहना, तो किचन का जो फिल्टर और
गैस स्टोव भी बड़ा लेना ही होगा आपको अल्टीमेटली ना, फिल्टर गैस स्टोव और बर्तन रखने वाला, तो उन लोग का तो लग जाएगा नियर अराउंड 5,000। तो अभी इनिशियली थोड़ा सा तकलीफ होना पड़ा, सब फ्रेंड लोग बोल रहे कि भाई इनिशियली कभी भी जगह में इतना लोग पैसे लेके नहीं जाते, इतना कुछ तैयारी नहीं कर पाता, थोड़ा मैं जैसे तैसे एडजस्ट करके रह लेंगे उसके बाद। तो इसलिए मैं खाना नहीं पकाता हूँ क्योंकि ना बर्तन धोना बहुत दिक्कत है, पानी नहीं है, तो पानी पहले भर लेते हैं। चलो उसके बाद करते हैं, पहले एक बाल्टी पानी भरते हैं, ये वाला को दोनों को ले जाते हैं भाई चल। और सुबह मैंने कपड़ा भी धोया, कपड़ा धो के यहाँ पे मिल के रखा हूँ क्योंकि कपड़ा मिलने का रस्सी ऊपर में लगाना होगा, मुझे पता नहीं है भाई कहाँ कहाँ क्या रास्ते में, और मंडे से सब कुछ हो जाए, मंडे से दोस्त लोग आएंगे ना तो मैं ओनर को भी केयर टेकर को भी पूछूँगा कहाँ कहाँ क्या करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे पानी लीक होता है, पूरा पूरा पानी लीक हुआ है सुबह, यहाँ देखो पूरा पानी गिरा हुआ है। कल रात का मेरा कचरा लोग कचरा वाला भी कितना बजे आता है पता नहीं, वो भी पूछना पड़ेगा मुझे। चलो पानी भर लेते हैं हम फटाफट से। हाँ ये देखो यहाँ भर लेते हैं, इसको धुला लेते हैं। तो सुबह में नहा वहा के, स्टूडेंट आज नहीं आया पता नहीं क्यों, वो कंपार्टमेंट में बैठ चला, दो स्टूडेंट भी नहीं आए, तो नहा के मैं वहाँ पे चला गया था, यहाँ पे देखो एक छोटा सा होटल है और रेस्टोरेंट में चला गया था, तो वहाँ पे मैंने पराठा वराठा खाया। तो वहाँ का भैया पूछ रहा था मुझे कि आपका पोस्टर लगा था कुछ, आप क्या कोचिंग सेंटर खोले हो क्या, बोलते हाँ पोस्टर उड़ गया, तो बोल रहा कि आप बड़ा बोर्ड लगा लो और टॉप में फ्लोर में हो तो एसी वेसी लगा लो। तो मैंने बोला ठीक है भैया लगाएंगे धीरे धीरे सब कुछ, अभी तो बस सेफ्टी हुआ है, कूलर रख लेंगे, एसी का क्या जरूरत है, एसी में 45,000-40,000 जाएगा, तो कूलर रख लेंगे, एक काफ़ी एक फैन ही काफ़ी है बच्चे के लिए भी, और बाकी जब आगे जाके हमारा 60-70-100 स्टूडेंट होगा तब तो डिजिटल स्क्रीन रखेंगे हम, ऐसा बोर्ड भी नहीं रखेंगे, तब डिजिटल स्क्रीन रखेंगे, उसके बाद एसी वेसी लगाएंगे बढ़िया, और अपना रूम में भी अलमीरा वलमीरा सब कुछ होगा तब। समय आने दे भाई, एक एक चीज़ें खरीदूंगा, एक एक चीज़ें खरीदूंगा, ट्रस्ट मी, आप लोगों को सपोर्ट बनाए रखो। चलो वहाँ फील हो रहा है बाल्टी, मीनवाइल हम चलते हैं किचन, तो अपना किचन में जाके आया चोट लगा रहे, बाथरूम बंद कर देते हैं, किचन में जाके हम करते हैं शुरुआत अपना काम की। चलो सो गाइस, आज हमने क्या बोलते हैं कपड़ा भी धुला लिया पानी रंग रंग करके, एंड बर्तन भी धुला रहे हैं, बहुत दिन से पड़ा हुआ था ये 3-4 दिन से, तो ये गन करेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक चीज लाने भूल गया, वो है यहाँ का रखने वाला साबुन का ट्रे, वो लाने मैं भूल गया। काफी बढ़िया से धुला दिया हमने, और ये बेसिन को भी साफ कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, चीजें आदत नहीं है। चलो बने रहिए गाइस, मिलते हैं, किसी का भरोसा नहीं रहना है मेरी जान, काम नहीं करोगे तो भूख मरोगे मेरी जान, इसमें तो ला देते हैं मेरी जान, और इसमें आप बैठ जाते हैं। चलिए अपना मैगी बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले गाइस दूध निकाल लेते हैं, दूध पीने बहुत मन कर रहा है, भूख भी लगी ना, दिन का टाइम हो गया, पर थोड़ा पहले मैं पराठा खा के आया था तो सोच रहा हूँ अभी मैगी खा लूं, मैं आलू सब्जी इन लोगों को तो लाना पड़ेगा, तो ये दूध निकाल लिया मैंने, अब इसमें पानी डालते हैं मिनरल वाटर, अब पहले गैस जलाते हैं। आज से नहीं निकाल रहा है,
से तो नहीं निकल रहा गाइस, प्रॉब्लम है इसमें। इसमें दिक्कत है गाइस। तो इससे प्रूव हो गया कि हमारा यहाँ पे नहीं बनेगा, आज ही नहीं निकल रहा है गाइस। तो आज मुझे फिलहाल दूध पी के चलाना पड़ेगा काम। स्टोव में आँच ही नहीं निकल रहा है, मतलब आग जो छेद से निकल नहीं रहा है। We have no option, have to purchase a new gas stove. नहीं होगा इससे, चलो चलते हैं। सच में गाइस मेरा इतना पॉपर्ट होगा ना, मैंने सोचा नहीं था। सब कुछ ठीक था, मैंने कल शाम को एक्चुअली आग लगा के देखा नहीं था, कल अंधेरा था, उसमें लाइट भी नहीं है। तो मैं सोचा अभी मैगी बना के खाएंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख तो लगा नहीं था, हल्का फुल्का भूख लगा था। चलो उस बहाने मैगी बनाना भी हो जाएगा, कितना दिन से मैं मैगी बनाया नहीं। और गैस से आग ही नहीं निकल रहा, और वो खुल जाना चाहिए, जो बर्नर होता है ना वो टॉप वाला, वो निकल जाना चाहिए। इतना टाइट है, मतलब अंदर में उसका रस्टिंग लगा हुआ है। उसको दोबारा ठीक करने से अच्छा है हम कैसे भी मैनेज करके एक स्टोव लेके आएंगे, जैसे भी लेके आऊँगा। बहुत दिन हो गया, 15 दिन हो गए भाई यहाँ पे रहने वाला, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो अभी फ़िलहाल दूध पीते हैं, दूध पी के हम अखरोट थोड़ा सा खा के, वो अखरोट रखा हुआ है, अखरोट खा के हम निकलेंगे, क्योंकि अभी सब कुछ हो गया, बस एक गैस स्टोव की वजह से झमेला हो रहा है। और 2-3 चीज़ लाना पड़ेगा, छोटा बाल्टी 2, एक घर पहुँचने वाला, 2 मग एंड आलू सब्जी रखने वाला ना, एक टुकड़ी होता है ना, वो टुकड़ी लाना पड़ेगा, 2 छोटा बाल्टी, 2 मग, 1 बड़ा बाल्टी भी लाना पड़ेगा, गमला लाना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा। बहुत सारा चीज़ें लेना पड़ता है यार, नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ लेना पड़ता है रूम में चलने के लिए ना। हम लोग सोचते हैं ईजिली हो जाएगा, बहुत झमेला है। चलो मोबाइल भी चार्ज कर लेते हैं। गाइस रेडी वेडी हो गया, अभी थोड़ा कुछ देर तक मोनू से बात किया, मोनू फ़ोन किया था कैसा कैसा क्या चल रहा है बोल के, तो मैं बोला था थोड़ा प्रोमोट कर दो बोल के, तो बोला अच्छा से रूम रूम का वो बैनर वनर लगा लो। बैनर वनर भी अभी तक अच्छे से लगाए नहीं ना, बैनर वनर लगा के साफ करेंगे। तो मैं मंडे को जब बाहर का पोस्टर वोस्टर भी अच्छे से लगा लूँगा ना, उसके बाद एक प्रॉपरली फ़ोटो खींच के भेजूँगा, तो भाई भी थोड़ा प्रमोट कर देगा, तो मेरे लिए भी थोड़ा अच्छा होगा ना। तो वही है, अभी लाइट चला गया फिर से, तो अभी हम लोग थोड़ा मंदिर जाएंगे, उसका पहले विशाल जाएंगे, विशाल जाके वो छोटा मोटा ना मग और क्या क्या चीज़ें खरीदने हैं ना वो देख लेंगे, अगर थोड़ा एडजस्ट हो जाता है तो। बाकी स्टोव तो आज लाना ही पड़ेगा कैसे भी करके, तो जो मतलब गैस सिस्टम वो लेके आएंगे। अभी बात करते हैं एक दीदी से, तो वहाँ पे अगर कैंटीन में थोड़ा कम से हो जाता है तो ठीक है। तो अपना कोचिंग सेंटर इज़ ऑन गाइस, बार बार बोल रहा हूँ किसको पढ़ना है, फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लो। चलो चलते हैं मंदिर जाते हैं। चलो गाइस लॉक कर दिए, चलते हैं। एक्चुअली जब भी मेरा बहुत स्ट्रेस होता है, मूड ख़राब होता है, टेंशन होता है, तो मैं ना मंदिर जाता हूँ, वहाँ जाके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। आप लोग भी जाया करो, अपना आपका जो भी धर्म में मानते हो, चर्च मंदिर गुरुद्वारा या वट एवर, तो भी चलते हैं। बारिश नहीं है तो बाइक निकाल लेंगे, आज भी लगता है मौसम ऐसा ही होगा। मौसम देख के तो ये लग रहा है खतरनाक वाला बारिश तूफान आने वाला है आज। और ना आज सुबह मुझे यहाँ पे मेरा गोप्रो का ढक्कन मिला था, कवर का उलंजी का ढक्कन इस जगह में मिला था। उस दिन जब माल उतार रहा था तो यहाँ पे बहुत चीज़ें मेरा गिरा चुका वाला चीज़ें, और मैं बैनर को ना यहाँ लगाऊंगा, आपको तो दिखा देता हूँ। पहले गेट में लगाऊंगा सोच रहा था, तो यहाँ नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा। थोड़ा जब बड़ा होगा मेरा साइज़ तो उसमें बांध देंगे हम लोग, अच्छा से सही रहेगा। तो यहाँ से सीधा जाओगे तो सीरीन होटल है, और अपना ये टॉप में है, चलते हैं अभी। वैसे अभी एक भैया जी का दुकान में आया था, जहाँ से मैं हार्डवेयर का सामान लेता हूँ। ये भैया जी है, और ये इनका नाम है IM एंटरप्राइज, ये दुकान का नाम है एक्चुअली। और ये बस हम लोग का मेन मार्केट में ही है, कंपो बेकर के सामने। तो मैं नेल्स लेने आया था यहाँ से, नेल्स का बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर हार्डवेयर का सारा सामान मिलता है, आप देख सकते हो। तो अभी चलते हैं घर की ओर, थोड़ा सा बोर्ड वोर्ड लगा लेते हैं, फिर मंदिर निकलेंगे हम लोग। बस मार्केट से अभी घर पे आ गया हूँ, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए भूख लगी था, मोबाइल को भी चार्ज करना था, तो मोबाइल भी चार्ज कर लिए, एंड सत्तू वत्तू खा लिया थोड़ा सा। अभी ये जो कील लाया था मैं, अभी ये कील से मैं क्या करूँगा, इसमें मारूँगा, ये हैमर भी उसी दुकान से खरीदा है, ये
ये बोर्ड बहुत ज़्यादा हिलता है, अभी इसमें मार के इसको फिक्स आउट करूँगा, इसका बाद ऐसे ही रहेगा। जैसे जैसे कोचिंग बाद में बड़ा होगा तो मैं इसमें बड़ा बोर्ड लगा दूँगा, एकदम बड़ा वाला जो बोर्ड होता है ना वो लगा दूँगा। और आपको तो बताया था सुबह, इन फ्यूचर अगर चीज़ें अच्छा होता है, फिंगर क्रॉस फॉर डेथ, अगर अच्छा होता है तो अपन डिजिटल स्क्रीन करेंगे, रूम अपग्रेड करेंगे। तो इनिशियली तो यही है, देख सकते हो। विद्या ऐसा चीज़ है कि आप कहीं भी ले सकते हो, हम लोग तो मिट्टी में बैठ के भी पढ़ाए, अभी तो बच्चों के लिए चेयर टेबल्स है। जब मैं शुरुआत किया था फर्स्ट टाइम में डाबू में कोचिंग, तब मिट्टी में बैठ के पढ़ाया था, फिर धीरे धीरे चेयर टेबल किया, वहाँ अपग्रेड किया था। तो पोस्टर वोस्टर लगाना भी बहुत सारा चीज़ें बाकी है, तो वो भी करेंगे अभी। चलिए कर लेते हैं सुपर, इसके बाद दिखाता हूँ आपको। चलो फिक्स्ड हो गई ये पूरा। गाइस काफ़ी देर घर पे बैठ गए, अभी चलते हैं सीधा मंदिर की ओर। उसके पहले एक बात बताना चाहता हूँ, थैंक यू ऑल माई फॉलोअर्स, बहुत लोग स्टोरीज में शेयर कर रहे हैं हमारे कोचिंग सेंटर के बारे में। एंड मेरा जितना भी इन्फ्लुएंसर फ्रेंड है, जितने भी है, मोनू, संतोष, जेम्स, डेविड, जितने भी बहुत लोग और भी हैं जो कि शेयर कर दिया है, और बहुत अच्छा लग रहा है अभी कि लोगों को मालूम चल रहा है। तो जैसे लोगों को मालूम चलते रहेगा धीरे धीरे चीज़ें शुरू होगा, तो मुझे वही सपोर्ट का जरूरी चाहिए था, क्योंकि मैं आई एम न्यू फॉर दिस सिटी। बहुत लोग पहचानते हैं हमको यहाँ पे, पर मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि मुझे बहुत लोग पहचान लेंगे ना। तो तब भी यहाँ का बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो जेएनसी में पढ़ते हैं, क्योंकि वो लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट इतना नहीं है। तो क्योंकि बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंसर सब लोग देखते हैं, तो मैंने दोस्तों को रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा सा शेयर कर दो। मेरे लिए इतना हो भी नहीं रहा है कि मैं बैनर जाके हर जगह में चिपकाऊँ, तो धीरे धीरे करूँगा वो भी। पर थैंक यू सो मच जितने भी फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम्स के, उन लोग भी शेयर कर रहे हैं और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड जितना मेरा फ्रेंड है, आप सबको एकदम हार्दिक हार्दिक मतलब दिल से शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। तो अभी मंदिर चलते हैं, काफ़ी अभी थोड़ा मूड भी उनको अच्छा लग रहा है, तो मंदिर चलते हैं, थोड़ा मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर हम आई थिंक सो विशाल जाना पड़ेगा मुझे छोटा छोटा दो सामान लेने के लिए। तो चलते हैं अभी, सनसेट हो गया गाइस, वेदर चेक करो। आई थिंक सो रात को थोड़ा मोटा बारिश तो देगा, पर काफ़ी सुंदर लग रहा है पहाड़ों के बीच पासीघाट। एंड हमने प्लान किया है कि अभी बोर्ड इसमें नहीं लगाएंगे, इस बीच में लगाएंगे। तो आई थिंक सो मुझे पोस्टर भी चेंज करना पड़ेगा, देखता हूँ क्या होता है। अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे लगाऊँ पोस्टर को, इस बीच में लगा दूँ। तो यहाँ से अगर लगाता हूँ, अगर इस पोर्शन से लगाता हूँ, ये वाला पोर्शन से, तो नीचे से दिखाई देता है, हमने देखा था। तो पूरा भी अगर ढक देगा तो भी नहीं चलेगा, तो यही जगह में लगाने से बेस्ट रहेगा। तो चलते हैं, शाम का अभी कितना बज रहा है, 5:30। चलो मंदिर चलते हैं। ठीक है, हम लोग मंदिर में, तो यहाँ पे सार्वजनिक कालीबाड़ी है, ये वाला कालीबाड़ी है, और इधर बालाजी मंदिर, बालाजी मंदिर ब्लॉक है, हम लोग कालीबाड़ी में चलते हैं। यही है कालीबाड़ी, इस तरफ से आप जा सकते हो ऊपर पार्क की तरफ, पासीघाट बाजार का सार्वजनिक कालीबाड़ी। क्या नाम है बेटा आपका? ये अपना मंदिर है, और जो यहाँ के पुरोहित है वो देख सकते, इतना प्यारा सा मंदिर है। यहाँ का जो पुरोहित है वो अमरनाथ तिनसुकिया महेश्वरी कालीबाड़ी का ही है, जहाँ मेरे मम्मी का घर है, तो मम्मी नानी सबको पहचानती है। और ये तरफ में है बालाजी मंदिर, देख सकते हैं आप, ये बालाजी मंदिर है। और इस तरफ भी मंदिर है, आगे मार्केट। तो अभी चलते हैं। A few moments later, एक चिल्ड्रन पार्क में आया हूँ जिसमें पहले भी आया था। ये इस तरफ से हाई रीजन जाता है और इस तरफ से नीचे बाजार। तो हमें चिल्ड्रन पार्क में थोड़ा घूमने के लिए आया है, बैठेगा एक जगह में, बहुत मूड ऑफ रखता है, मंदिर जाके अच्छा लगा। ये पार्क अभी बंद है, चिल्ड्रन पूरा बना नहीं है। यहाँ पे एक्सरसाइज करने का, बच्चों लोग का, बड़ा लोग का सब है। ये वाला भी एक्सरसाइज जोन है, और उस तरफ में डांसिंग, डांस करने का भी, फ्री स्टाइल जो करते हैं उन लोग के लिए भी जगह है। ऊपर साइड में भी है, तो अभी थोड़ा जाके बैठता हूँ, फिर धीरे बैठ के टाइम स्पेंड करके फिर चलूँगा, क्योंकि मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना है, अबाउट 6 बजने वाला है। राउंड मार लेते हैं। वैसे शाम का टाइम है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बच्चे बड़े सब आते हैं यहाँ पे। ये आज तक पता नहीं चला इसमें क्या करता है, ये कोई डिज़ाइन ही है कि पता नहीं, ये तो पूरा ये एक्सरसाइज जोन है। यहाँ भी है और ऊपर तरफ में भी है, आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे डांस और फ्री स्टाइल करते। देखिए आदमी लोग
वो भी कर रहे हैं, मतलब वॉकिंग भी कर रहे हैं। ये जगह में वात्सल्य लोग को हम लोग मिला था लास्ट टाइम जेम्स के साथ जब आया था, तो इस जगह में फ्री स्टाइल डांसिंग वेंसिंग करते हैं उन लोग। यहाँ बैठने का जोन है और यहाँ भी चेयर्स लगाया हुआ है। काफ़ी प्रेटी क्यूट सा पार्क है। ईटानगर का आईजी पार्क बहुत बड़ा है, पर यहाँ में जो भी है बहुत प्यारा प्यारा चीज़ें हैं। यहाँ पे काफ़ी देर टाइम स्पेंड कर लिया और अंधेरा भी हो गया, अबाउट 6 हो रहा है अभी देखिए। एंड बैठे बैठे बहुत सारा कॉल आया था एक्चुअली, जो मोनू एंड बाकी लोगों ने जो शेयर किया है वहाँ से बहुत सारा कॉल आया, अलग जगह से पासीघाट से तो 2-3 कॉल आया, ईटानगर से बहुत सारा कॉल आ रहा है रिगार्डिंग क्लास 10 एंड क्लास 12 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और हर जगह में से डिजिटल स्क्रीन लग चुका है अभी देखिए, ये सफाई के लिए पासीघाट में डिजिटल स्क्रीन बहुत सारा लग चुका है। और इधर से आगे जाओगे तो आपको रॉयल एनफील्ड शोरूम मिलेगा, यहाँ से DC ऑफिस जाने का रास्ता है, यहाँ से आगे ऊपर से जाके आप सीधा बाकिंग पैटर्न हॉस्पिटल में भी जा सकते हो। चलते हैं अभी। ओके बॉयज, फाइनली घर पहुँच गए पार्क से। एक्चुअली हम मंदिर गए थे, मंदिर से पार्क गया, पार्क से जैसे निकल रहा था तो मैं फ्रेंड मिल गई थी वहाँ पे जिनका नाम है मेरी मोपक, काफ़ी दिनों बाद हम मिला उनसे एंड हम लोग बातचीत किया कुछ देर, तो उसके बाद हम निकल गए घर आ गए क्योंकि मुझे ट्यूशन जाना है, तो बुक लेना था मुझे। 7 बज गया देखिए पूरा, अभी जैसे भी हम 15 मिनट में पहुंचना पड़ेगा मुझे। एक्चुअली बाइक में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, हीटअप हो रहा था बाइक, तो मैं रुक गया था थोड़ा देर के लिए बाइक को ठंडा करते उसके बाद निकलते हैं क्योंकि पार्कलेग यहाँ से दूर है। एंड मंडे से हमारा बेटी यहाँ पढ़ने आएगा तो मेरा होम ट्यूशन वहाँ का नहीं रहेगा, तो आसपास में कहीं भी अगर होम ट्यूशन आपको ज़रूरी है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इट्स माई इनिशियल टाइम, तो मैं होम ट्यूशन भी कर रहा हूँ अभी, तो जस्ट थोड़ा सपोर्ट चाहिए। एंड थोड़ा सा आज स्ट्रेस में था तो मैं मंदिर चला जाता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मैं स्ट्रेस में रहता हूँ तो मैं मंदिर चला जाता हूँ, वहाँ जाकर बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके। तो अभी चलते हैं सीधा क्लास करने एंड क्लास करके फिर आके मिलते हैं आपसे। बातों बातों मैं एक चीज़ भूल गया, मैं बाजार गया था पासपोर्ट फोटो प्रिंट करने के लिए अपने रिज्यूमे के लिए 2 कॉपी, लेकिन भूल गया मैं पूरा, तो अभी तो नहीं होगा, होगा कल सुबह करना पड़ेगा मुझे जैसे भी। एंड बाहर काफ़ी ज़ोर से हवा दे रहा है यार, काफ़ी ज़ोर से हवा दे रहा है, तो चलो निकलते हैं, कुछ छोड़ा तो नहीं मैं। चलो सपोज गए हम अपना होम ट्यूशन के घर पे एंड ये है अंधेरा है पूरा यहाँ पे। रास्ते में ना इतना ज़्यादा हवा मारा मेरी आँखों में, पूरा बाली घुस गया, हालत खराब। चलो पढ़ा लेते हैं अभी। 1 hour later डिनर। ऑलराइट गाइस, फाइनली घर पहुंच गए। आते वक्त थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था, रात को डिनर वहीं पे कर लिए क्योंकि जब भी मैं रात को पढ़ाने जाता हूँ तो दीदी हमेशा फोर्स करती है डिनर करके जाऊँ बोल के, तो डिनर वहीं पे कर लिया। आज भी ब्रेकफास्ट लंच तो खास हुआ नहीं था तो डिनर एकदम जम के कर लिया। तो आज का ब्लॉग हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर से नए दिन में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपनी मन की करिए और दिल के साथ। दिस इज बॉय प्रीतम साइनिंग आउट। जय हिंद जय भारत एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।